व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी यहाँ पे हम सोए थे रात को, भाई माइनस में टेम्परेचर चला गया, तो इतनी ठंडी थी। और अभी भी मैंने जैकेट के नीचे एक स्वेटशर्ट, स्वेटशर्ट के नीचे एक टी शर्ट, दो तीन कपड़े पहन लिए। तो देखते अभी वहाँ पे अपने बाइक और भी बाइकर्स है यहाँ पे, अभी अपन भी निकलेंगे आधे घंटे में। और आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से होटल से, देखो ऐसा कुछ व्यू है। ये हमारा होटल था यहाँ पे, और व्यू देखो बॉस, हालत टाइट हो गई थी हमारी रात को। ये वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट कोल्डेस्ट जगह है, मतलब अभी हम जहाँ पे रह रहे इसको दर्जा दिया गया है एक टाइप से देखा जाए तो, वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट कोल्डेस्ट। अब भी दिखाऊंगा आगे बोर्ड है ये दोनों भाई के, ये भैया भी आ चुके कैसे हो भैया। और यहाँ पे ओश के कारण देखो सीट भी गिल्ली हो चुकी है, बाप रे मतलब इतनी ठंडी थी ना, क्या बोलू। तो गाड़ी की हालत आप देख ही सकते हो वहाँ पे पीछे, जोंजिला पास पर देखो कीचड़ था ना, इसलिए पूरी बाइक गंदी हो चुकी है। तो आप और सीट की तो हालत ही टाइट है यार, बेटा भी नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस अभी बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड है ना। तो अपनी बाइक चालू हो चुकी है और बैग भी अभी बांध रहे हैं, तो निकलते जल्द से जल्द यहाँ से। बॉस यहाँ पे आप धूप देख सकते हो, लेकिन धूप का कुछ भी फर्क नहीं, इतनी ठंड है बर्फ में, कुछ भी धूप का फर्क नहीं। तो अभी भैया वो आ रहे बाइक लेके, मैं पैदल जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि हार्डली 50 मीटर पर वो बोर्ड है जो सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, वो जो बोला था ना, वो यहाँ पे आगे 100 मीटर है, मतलब हार्डली 50-60 मीटर है। तो पैदल ही जा रहा हूँ और आगे कॉफ़ी भी पियेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस अभी अपन यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे और सोचा धूप में बाहर खड़े रह के कॉफ़ी पीते, तो अभी पीते। जो आप सामने पोस्टर देख रहे हो ना, यहाँ पे फोटो निकालेंगे, ये आप पढ़ सकते हो देखो, लद्दाख टूरिज्म वेलकम यू टू ड्रास द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। बाप रे ने गाइस वहाँ पे फोटोज ले ली, अभी निकलते ले के लिए। चलिए सामने बाइक खड़ी है, अभी यहाँ से निकलते। यहाँ पे बेस्ट वाला व्यू था और बेस्ट वाला क्या, इससे आगे तो इससे भी बेस्ट होगा, काफ़ी मस्त लग रहा है। रात को तो भाई माइनस में टेम्परेचर चला गया था, तो ये अपने भाई निकल गए स्प्लेंडर से। तो चलिए अभी निकलते भाई, यहाँ पे अभी अपन ने फोटो शूट किया था, देख सकते हो भाई, मतलब वर्ल्ड का सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस है ये, मैं खुद हैरान हूँ। और गाइज आपको स्टार्टिंग में बता दूँ कि ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि भाई लेह लद्दाख की सीरीज है ना। और पिछले व्लॉग में मैंने जो कहा था कि हम कारगिल क्रॉस कर रहे हैं, वो कारगिल नहीं था, कारगिल अभी आगे आने वाला है, तो सॉरी उसके लिए। वो सिर्फ कारगिल रोड कहलाया जाता है, पर मैं है नहीं, मतलब कारगिल नहीं था वो, हमने जहाँ पे वो चेक पोस्ट था, हमने जहाँ पे एंट्री कराई थी ना, वो कारगिल नहीं था। अब आगे आने वाला है कारगिल, कहीं पे भी जाओ आप, यहाँ पे बर्फ पिक्चर नहीं छोड़ेंगे। वाह बॉस, वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस पे है अभी हम, ये सुनकर ज़्यादा ही ठंड लगती है पता है क्या। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, अभी 1°C जीरो ना हो यार, और माइनस तो होना ही नहीं चाहिए। हम जहाँ पे होटल में थे वहाँ पे रात को माइनस में चला गया था, मतलब पूरी हालत टाइट हो गई थी हमारी। गाइस आपको एक चीज़ बता दूँ, जो पहाड़ पर पेड़ रहते हैं ना, उसके लैंडस्लाइड होने के बहुत कम चांस होते हैं। और जो पहाड़ पर पेड़ नहीं रहते ना, जैसे कि ये पहाड़, अभी इस पर पेड़ नहीं है, तो इसके लैंडस्लाइड होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें रहती है ना, वो मिट्टी को पकड़ लेते ना, इसलिए। यहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल है और ये लोग थे परमवीर चक्र अवार्ड्स मिले थे इनको। तो अभी वो ऑफिसर आए, वो बोले पार्किंग में लगा लो, तो इस साइड पार्किंग है अंदर, तो अभी पार्किंग में लगा रहे गाड़ियों को। और ये देखो इनको परमवीर चक्र अवार्ड्स मिले थे, मतलब और अंदर कारगिल वॉर है, मतलब मेमोरियल है कारगिल की, कारगिल वॉर मेमोरियल ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने पार्किंग लगाई है। तो गाइस ये कारगिल वॉर के ऐसे कुछ एंट्रेंस है, और वहाँ पे देखो गन का मतलब एंट्रेंस बना हुआ, और इनके स्टैचूज है ये आर्मी ऑफिसर्स के। और अब एंट्रेंस देख सकते हो कितनी प्यारी है, इंडियन फ्लैग ही फ्लैग है चारों तरफ। और इनका नाम है मेजर विवेक गुप्ता, इनका ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, महावीर चक्र है अवॉर्ड। वहाँ पे एक टैंक है, वो शायद यूज़ हुआ है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे भी ये है, ये फाइटर जेट, ये भी लगता है यूज़ हुआ है, इन्हें वो थोड़ा थोड़ा फेक लग रहा है, फेक या ओरिजिनल अब मेरे को तो पता नहीं भाई। वो आप देख सकते हो उसका नाम A1 है, अब पूरा नाम तो पता नहीं, उस पर A1 लिखा इसलिए बोल रहा हूँ। बाप रे क्या दिख रही है वो, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे भी ये छोटा सा कुछ टैंक टाइप का है, अभी मेरे को नाम नहीं पता यार इनका। और ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, डेवलप बाय पढ़ सकते हो यार पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी, और देखो काफ़ी तगड़ा है यार। गाइस जिनके आप स्टैचू देख सकते हो वो उस टाइम पे थे, मतलब ऑफिसर्स, तो काफ़ी रिस्पेक्ट है यार इनके लिए। तो ये देखो काफ़ी प्यारा बनाया हुआ है अभी,
अंदर जाना अलाउड नहीं। और गाइस आप वहां पे देख सकते हो कंटिन्यू ये जोत जलती है, शायद कंटिन्यू जलती है, गैस पे होंगी, गैस पे ये कंटिन्यू जलती रहती है। वाह, यहाँ पे काफी ध्यान रखा हुआ है हर चीजों का, आप देख सकते हो वहां पे सोल्जर से, लेकिन यहाँ से वहां जाना भी अलाउड नहीं है, वहां जाना भी अलाउड नहीं है, वहां जाना भी अलाउड नहीं है, सिर्फ ये इतना सा ही अलाउड है, इतना सा। तो गाइस वो वहां वाला है टाइगर हिल, और यहाँ पे वॉर हुई थी ये पहाड़ पर, अभी ऑफिसर जी ने बताई थी, पूछा था वहाँ भैया ने, तो वहाँ पे वॉर हुई थी पूरी, और जो शेरशाह में विक्रम बत्रा जी की वो लड़ाई हुई थी ना, वो वहाँ पे हुई थी, मतलब असली में। अब आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे क्लीनिंग कितनी हो रही है, अभी यहाँ पे ग्रास कटिंग चल रही है, वहाँ पे क्लीनिंग चल रही है। अब यहाँ के बारे में जान के पूरे गुजबम आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे मेन वॉर हुई थी ऊपर में, और यहाँ से दूर 9 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर है, बाप रे मतलब। और वहाँ पे शेरशाह में वो जो विक्रम बत्रा की फाइट थी ना, वो वहाँ पे हुई थी, वहाँ पे उनकी डेट भी हुई थी एक लास्ट वाले बंकर पे। तो चलते अभी यहाँ से, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, कंटिन्यू करते अपनी ले राइड। तो गाइज ये है कैप्टन विक्रम बत्रा, और इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, और ऐसे स्टैचूज काफ़ी सारे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी है, वहाँ पे आगे भी, मतलब बॉस विक्रम बत्रा जी ने कितनी हिम्मत दिखाई थी उस टाइम पे, फाइट के टाइम पे। आप गाइज देख सकते हो वहाँ पे गन्स की एंट्रेंस है, वो भी पत्थर की बनी हुआ, और पीछे वो जो स्टैचू है ना, वो भी पत्थर का बना हुआ है। तो गाइज अभी यहाँ पे 10 मिनट का वीडियो दिखाएंगे, कुछ यहाँ पे कुछ कारगिल फाइट कैसे हुई थी वो दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। 10 मिनट का तो मैं दिखाऊंगा नहीं, छोटे छोटे शॉट देखना। अच्छा यहाँ पे बैठने के लिए भी कोई चीज़ का तो भी सूट है शायद, अभी यहाँ पे बैठ के देखते वीडियो। अभी 10 मिनट का वीडियोस तो देख लिया था आपने, छोटे छोटे क्लिप देखे होंगे, तो काफी अच्छा था यार, घुसबम आ रहे थे बॉस, यहाँ पे पीछे वो फाइट हुई थी। तो अभी निकल रहे हैं कारगिल के यहाँ से, चलते अभी अभी यहाँ से चलते हैं कारगिल वॉर के यहाँ से, और बॉस काफी अच्छा था, बहुत पूरे घुसबम आ गए थे सीरियसली। ये पार्ट पे उस टाइम फाइट हुई थी पाकिस्तान से, और वहाँ पे है टाइगर हिल। तो गाइज अभी अपन वापस निकल चुके अपने ले के लिए, ले राइड के लिए, और बॉस कारगिल वॉर मतलब ये पहाड़ के उस साइड में पाकिस्तान बॉर्डर है, और ये पहाड़ पर हुई थी फाइट। तो अब भी हमें कारगिल में, और आपने कारगिल वॉर देखा होंगे, बहुत कितना डेंजर था यार, पूरे घुसबम्स आ रहे थे, और अब भी ये व्यू देख सकते हो, इसको बोलते भाई लद्दाख सीरियसली। बाकी रोड्स तो मस्त है, और गाइस यहाँ पे इतने चढ़ाव उतार आ रहे ना, नॉर्मल रोड है ही नहीं। और बाकी आप व्यू देख सकते हो, क्या खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे लाइव एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें केले फल फ्रूट सब्जियाँ थी, और ये इनके साथ वाले ही थे शायद। और समय यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, मतलब सामने ही थार चल रही है, बस दूर दूर तक कोई नहीं है। तो बॉस अभी यहाँ पे रुके फोटोशूट के लिए, वो भैया फोटो ले रहे हैं, और आप नीचे व्यू देख सकते हो, मतलब भाई साहब क्या रिवर जा रही, कितनी प्यारी लग रही है ना, ओ भाई साहब, बाकी मज़ा आ रहा है। गाइस अभी ये ले यहाँ से 244 किलोमीटर है, तो निकलते अभी यहाँ पे फोटोशूट किया था, तो चलते अभी वापिस।
और ट्रक देखो क्या स्पीड से आ रहे बॉस। गाइस अभी हम कारगिल एंटर कर चुके हैं, पीछे चेक पोस्ट गया और अभी हमने मतलब परफेक्ट कारगिल एंटर करे और अभी यहाँ पे पेट्रोल भरवाएंगे। चलिए, ये कारगिल सिटी है बॉस और काफी मस्त लग रहा है। यहाँ पे कारगिल की सिटी में घूम रहे हैं, अभी होटल देख रहे हैं, वहाँ पे खाना वाना खाएंगे फिर वापस निकलेंगे ले के लिए। अभी थोड़ी सी धूप भी हो चुकी है लेकिन इतना धूप का एहसास नहीं हो रहा है। बॉस आप व्यू देख सकते हो और वो सब घर वो कारगिल है शायद, क्यों फिक्स नहीं पता क्योंकि अभी कारगिल से आई वहीं से ही आई तो वो कारगिल है। और पहाड़ देख सकते हो, मतलब पहाड़ पर जो बादल की छाव आ रही है ना काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर। अभी आप देख सकते हो वहाँ पे ले 225 किलोमीटर से अभी पहुँच जाएंगे भाई। अभी टाइम हो रहा है 12:43, पहुँच जाएंगे 225 किलोमीटर, मतलब 5-6 बजे तो पहुँच जाएंगे आराम से शाम तक। तो बाकी व्यू तो काफ़ी प्यारी है स्टार्टिंग से। टर्न्स डेंजर बॉस, ये एक बात बोलना चाहूँगा, टर्न्स डेंजर है, बाकी सब अच्छा है। तो ये पहाड़ आर्टिफिशियल लग रहे हैं, इसे लग रहा है कोई फोटो या इमेज है एडिट की हुई। कितना खूबसूरत है यार लेह लद्दाख। अभी तो आने का है मेन, अभी तो आया भी नहीं है, 200 किलोमीटर हम पहले लेह से। बाकी देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है।